देख रहे हैं खटपट न्यूज़। नमस्कार, खटपट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले शातिर ठग को राजधानी के पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ितों ने देर रात पुरानी बस्ती थाना पहुंचकर आरोपी को पुलिस के हवाले किया है। आरोपी का नाम संजय मानिकपुरी है, जो शहर की करीब 500 से ज्यादा गरीब महिलाओं को अपने झांसे में लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के एवज में 1500 रुपए के हिसाब से लाखों की ठगी कर चुका है। आरोपी अपना नाम बदलकर अपने आप को कलेक्ट्रेट और नगर निगम का कर्मचारी बताता और शहर की निचली बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को अपने झांसे में लिया करता था। वहीं योजना के तहत 2.5 लाख रुपए लोन दिलवाने, जिसमें सिर्फ 1 लाख रुपए जमा करने और 1.5 लाख रुपयों की सब्सिडी मिलने का भी लालच आरोपी ने लोगों को दिया था। आरोपी इतना शातिर है कि उसने शहर की बस्तियों की कई महिलाओं को अपना एजेंट बनाकर मोहल्ले की महिलाओं को फंसाता। इसके एवज में आरोपी अपनी एजेंट महिलाओं को मोहल्ले की 10 महिलाओं से पैसे दिलवाने पर 5000 रुपए देने का लालच देता था। जब किसी को भी कोई लोन नहीं मिला, तब महिलाओं एकजुट होकर उसको देर रात पैसे देने के बहाने अपने मोहल्ले पुरानी बस्ती बुलवाई, तब इसको पकड़कर थाने लाकर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। कुछ महिलाएं थाने में उपस्थित आकर शिकायत दर्ज कराई कि एक व्यक्ति है संजय मानिकपुरी, अपने आप को कलेक्ट्रेट में काम करने वाला कर्मचारी बताता है, और इसने प्रधानमंत्री मुद्रा कोष से 2.5 लाख रुपए लोन दिलाने के नाम से सभी से 1500 रुपए लिया है। इस प्रकार से 20 महिलाएं सामने आई थी और उनसे पूछताछ की गई, उनके कथन दर्ज किए गए हैं। इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और संजय मानिकपुरी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, रायपुर।